आज की जो वीडियो है ये एक न्यू चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तान में इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट आ रहा है ना, और जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस आ रहा है, वो आ रहा है इनकम टैक्स के ऊपर। और FBR जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है, और मेरे ख्याल से हुकूमत को कमेंड करना चाहिए इस वक्त जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा सेटअप डेवलप किया है, और जितनी आसानी से आप अपनी टैक्स को फाइल कर सकते हैं। और बहुत लोग इसको फाइल इसके लिए नहीं करते क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि हमने किस तरह से करना है। तो हमारी जो वीडियोस इस वक्त हम पूरी ये सीरीज़ डेवलप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलेंगे। कभी आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो आप आराम से खुद अपने इनकम जो है टैक्स कर सकेंगे, ठीक है। आप इजीली एंड ऑफ द ईयर अपने आप का जो है ना इनकम टैक्स जो है ना आप अपनी जमा करा सकेंगे। इसके अंदर दो चीज़ें मैं करूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये चीज़ आपने समझनी है। पहले तो मैं FBR की मेन वेबसाइट पे जाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि बेसिक इनकम टैक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। उसको कंप्लीट करने के बाद एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो हर एक अपना FBR की जो अपना इंस्टीट्यूट है और हर एक डिपार्टमेंट और रीजन के अंदर पड़ा होता है, और वो अवेलेबल ऑनलाइन भी है, और वो बहुत डिटेल के अंदर है। हर एक एलिमेंट को हाईलाइट करता है, वो हर एक एलिमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू बिजनेस मैं आपको वो समझाऊँगा। और उसमें कभी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली जाके FBR में किसी भी एजेंट से आप बात कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत जो है ना वो आपको सपोर्ट करते हैं। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर आप fbr.government.pk पे जाएंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसके ऊपर हम जा रहे हैं इनकम टैक्स बेसिक्स के ऊपर। इधर मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि इनकम टैक्स बेसिक्स हैं क्या। इनकम टैक्स बेसिक, बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज़ रिकमेंडेड दैट वन शुड एस्टैब्लिश बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दीज प्रोसेसेस। नॉलेज ऑफ सच कॉन्सेप्ट शुड नॉट ओनली इंश्योर दैट द टास्क आर परफॉर्म ईजली बट ऑल्सो इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। कहने का मकसद ये है कि कभी आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं, पहले ये चीज़ें आप समझ जाएँ, अच्छी तरह इनको समझ लें, समझने के बाद अपनी टैक्स को फाइल करें। टैक्सेबल इनकम एक चीज़ होती है। टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय डोनेशन क्वालिफाइंग स्ट्रेट फॉर डिडक्शन इन सर्टेन डिटेक्टेबल अलाउंसेस। इसका ये मतलब है जो आपकी जो टोटल एक साल के एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, उसके अंदर से आप जो आपने पैसे डोनेट किए हैं या जो डिडक्शन हुई हैं, वो आपके बिजली की बिल की शक्ल के अंदर जो टैक्स आया हुआ है वो हो, आपके पानी के बिल की शक्ल में टैक्स आया हुआ वो हो, आपने कोई फ़ोन के ऊपर टैक्स दिया है वो हो, कोई भी आपका टैक्स जो डिडक्ट हो सकता है वो आपने उसमें की पूरी इनकम से डिडक्ट करना है क्योंकि आपने वो पहले से पे कर दिया। टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम इज द एग्रीगेटेड ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। जो इनकम एक साल में आपने जो है वो अर्न किया है वो आपकी टोटल इनकम है। कभी आपकी 60,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह है उसके ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट होता है और वो आपकी कंपनी पे करती है, उनसे आपको एक लेटर लेना होगा जो आप उसके साथ अप्लाई करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि मैं टैक्स पे कर चुका हूँ। इसके अंदर जितनी भी आपकी बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, कोई आपने अप्लायंस ख़रीदा है, कोई आपने गाड़ी ख़रीदी है, कोई आपने मोटरसाइकिल ख़रीदी है, कोई सी भी आपने परचेज़ की है, उसके बिल एक सेपरेट फाइल में आप लगा के रखें। बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हेड ऑफ इनकम क्या होता है? अंडर द इनकम ऑर्डिनेंस ऑफ 2001, इंशाल्लाह ये पूरे डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ जो है ना लेटर ऑन एक एक पॉइंट करके आपको समझाऊंगा। ऑल इनकम आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फाइव हेड्स ऑफ इनकम। इसके अंदर से बेसिकली इनकम के जो जरिए हैं ना वो बताए गए, उनमें से एक मैंने आपको जैसे पहले मैंशन किया सैलरी है। दूसरी इनकम का जरिया प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर या कोई फ्लैट या कोई ज़मीन है जिससे आपने कभी ज़मीन बेची है उससे आपने पैसे कमाए हैं, कभी आपके पास ज़मीन है उस पर आपने घर बना के उसको रेंट दिया है, उस पर आपसे रेंट आ रहा है, उस पर वो भी आपकी इनकम है, उस पर भी टैक्स है। कभी आपने कोई फ्लैट ख़रीदा है और वो रेंट पर दिया हुआ है, उससे आपको इनकम आ रही है, वो भी टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम बिज़नेस, कभी आप कोई बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं तो वो भी टैक्सेबल है। कभी आप सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है आपकी, आपकी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये जितनी भी बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे हैं इन सब के ऊपर टैक्स है।
आपने टैक्स पे करना है, आपने इंश्योर करना है कि आप जो गाइडलाइन जो हुकूमत ने दी हुई है उनके साथ चलें। मैं समझता हूँ कि टैक्स पे करना और टैक्स चोरी जो है वो हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसमें जो इशू है वो ये नहीं है कि बहुत लोग टैक्स इसके लिए पे नहीं करते क्योंकि वो चोरी नहीं करना चाह रहे, तो छुपा नहीं रहे, तो उनको पता नहीं होता अपने टैक्स पे किस तरह से करना है। तो ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ और ये सीरीज़ जो आपके लिए अवेलेबल मैं कर रहा हूँ, एक आसान ज़रिए से आपको समझाने के लिए किस तरह से हमें टैक्स पे करना है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन बेसिकली वो चीज़ें हैं जब आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं और जो आपने इनकम गेन किया है ना, जो कैपिटल गेन किया आपने, जो आपको उसमें से फ़ायदा जो हुआ है, जो प्रॉफिट आपको है, उसके ऊपर आपने भी इनकम पे करनी होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये डिविडेंड्स आ जाते हैं, ये आपने कहीं बैंक के अंदर TDR या प्रॉफिट लगाया हुआ है, किसी मुतारबे में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी के साथ आपने जो है ना एज ए साइलेंट पार्टनर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें से आपको रिटर्न आ रहा है, ये अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाते हैं। ये कभी आप ऑनलाइन कोई ई स्टोर आपने खोला हुआ है, दराज पे आपने कोई स्टोर खोला हुआ है, उस पे से आपको इनकम जनरेट हो रही है, वो भी आपकी टैक्सेबल होती है, उसमें भी टैक्स पहले का कट रहा होता है, विदहोल्डिंग टैक्स होता है, उसकी आपको चाहिए होता है, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कभी बैंक में आपने TDR कोई जमा कराया हुआ है, आपको वहाँ से कोई प्रॉफिट आ रहा है, वो विदहोल्डिंग टैक्स काटते हैं, आपको बैंक से जो है एक लेटर लेना होगा और अपने टैक्स रिटर्न के टाइम पर उसको जमा कराना होगा। इसमें रेजिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, रेजिडेंट कौन है? एन इंडिविजुअल इज़ अ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ग्रेट टू 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। इसका ये मतलब है कभी आप एक पाकिस्तानी नेशनल हो हैं और पाकिस्तान के अंदर आप 183 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं, इसका ये माने है कि आप जो हैं वो 6 महीने से ज़्यादा कभी आपने पाकिस्तान में गुजारा है तो आपने अपना टैक्स फाइल करना है। कभी आप पाकिस्तान में 6 महीने से कम रह रहे हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ और मैं रिसेंटली 2018 में अगस्त में वापस पाकिस्तान आया था और उसके बाद मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं अब एक प्रेजेंट नॉन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे यहाँ हूँ, तो मैं टैक्स पे करता हूँ। इन प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू 120 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर इन द 4 years preceding द टैक्स ईयर हैज़ बीन इन पाकिस्तान पीरियड और पीरियड गेटिंग 364 डेज। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, जो बाहर जाते आते हैं, बाहर जाते आते हैं, बाहर जाते आते हैं, उनके रेगुलरली ट्रैवल होते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी पाकिस्तान में हो रही होती है और वो पाकिस्तान से ट्रिप्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी एक्यूमुलेशन डिफरेंट होगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है कि जो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं या रमज़ान में छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के लिए आ रहे थे, ये पॉइंट उनके लिए। तीसरा पॉइंट, इज़ एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। ये वो आपके डिप्लोमेट्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं या आपके हुकूमत की तरफ से वो लोग हैं जिन्होंने बाहर वो काम करने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए ऑब्वियसली ये तीसरा पॉइंट आता है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज रेजिडेंट फॉर द टैक्स ईयर इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन दैट ईयर। ये वो लोग हैं जिनके बिजनेसेस और जिनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं और वो पाकिस्तान में एक मुद्दत गुजारते हैं, वो 3 महीने या 2 महीने या 4 महीने की शक्ल के अंदर हो, जिसके अंदर वो बिज़नेस अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं और एक्टिविटी से फाइनेंस जनरेट कर रहे होते हैं। अ कंपनी इज़ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म अंडर द एनी लॉ इनफोर्स इन पाकिस्तान द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी वन टाइम इन द ईयर और इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान। इसका ये मतलब है कि कभी आप सोल ट्रेडर हैं, आपकी पार्टनरशिप है, आप SMC है, सिंगल मेंबर कंपनी है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आप
कि जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान में सिचुएटेड है और पाकिस्तान से मेनली उसकी एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं और फाइनेंस जो है वो पाकिस्तान से मूव कर रहा है, तो यू आर टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट कौन है? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अ कंपनी, एन इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ दे आर नॉट रेजिडेंट फॉर दैट ईयर। मतलब इन डेफिनेशन इन सेक्शन 101 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विच केटर्स फॉर इनकम्स अंडर डिफरेंट हेड्स एंड सिचुएशन, सम ऑफ द कॉमन पाकिस्तान सोर्सेज इनकम्स आर एज अंडर सैलरीज रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान वेन एवर पेड, सैलरी पेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान वेर एवर द एम्प्लॉयमेंट इज एक्सरसाइज, डिविडेंड पेड बाई रेजिडेंट कंपनी, प्रॉफिट ऑन डेट पेड बाई रेजिडेंट पर्सन, प्रॉपर्टी और रेंटल इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान, पेंशन और एन्युटी पेड और पेबल बाई रेजिडेंट और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब ये है कि कभी आप पाकिस्तान में नहीं हैं मगर आपको पाकिस्तान से सैलरी मिल रही है और आप बाहर हैं मगर आपके अकाउंट में आ रही है, सैलरी की शक्ल में हो मगर आप बाहर रह रहे हैं, वो भी टैक्सेबल है। आपने बेसिकली जो इनकम है वो जनरेट बाहर रह के नहीं की, वो इनकम विद इन पाकिस्तान जनरेट हो रही है। जो पैसे आपके पाकिस्तान में रहते हुए जनरेट हो रहे हैं उस पे टैक्स है। मैं इसको इस तरह से आपको भी समझा सकता हूँ, बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, उस पर कैपिटल गेन होता है। बेशक वो प्रॉपर्टी जिन पैसों से उन्हें ख़रीदी है उस पर टैक्स नहीं है क्योंकि उन्होंने बाहर से वो पैसे कमाए हैं, मगर जो प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया है विद इन वन ईयर बेच के उस पर टैक्स है, वो कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। उस पर विदहोल्डिंग टैक्स भी है, तो ये सारी चीज़ें आपने पे करनी है क्योंकि आपने बेशक पैसे बाहर से कमाए हैं उस पर टैक्स नहीं है, मगर जब आपने बेचा है और उस पर पैसे कमाए हैं, प्रॉफिट कमाया है, उस पर टैक्स है। Foreign source of incomes is any income which is not a Pakistan source of income. Meaning, ये पैसे पाकिस्तान में कमाए नहीं गए। Person के लिए an individual, a company or association of person incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere, the federal government or foreign government or political subdivision of a foreign government or public international organization. मैं इस particular point में अपनी video को ख़त्म करता हूँ और इसी पॉइंट से आगे मैं लेके चलूँगा कि फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम एग्जेम्प्टेड कौन है, किस तरह से हैं और इसको हमने किस तरह से आगे लेके चलना है जब आपके पास टैक्स रिटर्न आप कर रहे होंगे पाकिस्तान में आके। कभी आपको कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप नीचे हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कभी आपने मेरी वीडियो पसंद आई है और ये आप समझते हैं कि आपको आगे मज़ीद इसमें हेल्प चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करें क्योंकि आगे हम मेरी जितनी वीडियोस FBR टैक्स रिटर्न के ऊपर आ रही होंगी तो आपसे मिस नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं और मेरी ख्वाहिश है और मेरी उम्मीद है कि इन वीडियोस को देखने के बाद जब आप अपनी टैक्स रिटर्न करेंगे तो आप सक्सेसफुली टैक्स रिटर्न करेंगे और इंशाल्लाह FBR को जितने प्रॉब्लम्स फेस हो रहे होते हैं गलत टैक्स से वो ख़त्म हो जाएंगे। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।